और जोड़े रखने के लिए सख्ती की आवश्यकता है। ये दो चीजें बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन दोनों की आवश्यकता हमें जीवन के हर आयाम में पढ़ी जाती है। अगर आपको किसी को भी जोड़े रखना है तो सख्ती का जो आपका स्वभाव है वो बनाए रखना होगा, लेकिन उससे पहले कि वो जुड़ जाएं, उसके लिए आपको नम्रता की आवश्यकता होती है। मेरी आज की मेहमान भी इन दोनों गुणों से लवरेज हैं। वो लोगों को जोड़ना जानती हैं और जोड़ने के लिए वो बहुत नर्म भी हैं, और जुड़े रहें हमेशा के लिए इसके लिए वो सख्त भी हैं। उनके बारे में बताने के लिए आज मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि आज की जो मेरी मेहमान हैं वो दो अलग अलग बड़े बड़े मुकामों को हासिल कर चुकी हैं और दो अलग अलग रोल्स भी निभाती हैं। देखिए, एक तो ऐसा है कि आप पेज 3 के अगर वाकिफ हैं, अगर आप बहुत ध्यान देते हैं अखबारों में, तो उनकी फोटोज अक्सर छपती रहती हैं, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड में उनकी अच्छी खासी बैठ है। वो फाउंडर डायरेक्टर हैं एक डिजाइनर की, जिसका नाम है रजवाड़ास बाई चित्रा एंड रोचिका। फिर आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना ही होगा, तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मेंबर हैं। वो एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, कथक डांसर हैं। ये तो उनका एक रूप है, और जो दूसरा रूप है वो इससे बिल्कुल अलग है। दूसरे रूप में वो एक बहुत जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो टीवी मीडिया के पैनलिस्ट हैं, डिबेटर हैं, आपने उन्हें हमेशा टेलीविजन पर देखा होगा बहस करते हुए। वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं विश्व सनातन हिंदू संघ की, नेशनल डायरेक्टर हैं नेशनल चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट काउंसिल की। उसके अलावा वो मेंबर हैं विश्व हिंदू परिषद की, दुर्गा वाहिनी की और संस्कार भारती की। देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना। आपको लग रहा होगा ये एक व्यक्तित्व के अंदर इतने सारे अलग अलग चीजें कैसे नजर आ सकती हैं, तो ये इनके अंदर है। इनके अंदर खासियत है कि ये दोनों अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से निभा रही हैं। मुझे लगा कि आजकल बहुत सारी बातें सनातन धर्म के ऊपर हो रही हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें एक बोलते हैं कि राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, ये सब चीज़ें क्या हैं, कई बार समझ में नहीं आता, हमारे समझ के परे हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि उनसे हमें बात करनी चाहिए, और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जिनका नाम आपको बताने वाली हूँ, उनका नाम है रोचिका अग्रवाल जी। रोचिका जी को मैं भेजती हूँ रिक्वेस्ट। नमस्ते रेन जी, कैसे हैं आप? हेलो मधु, कैसी हैं आप? आई एम गुड सैनमोन जी। रोचिका जी चेक कीजिएगा, फ्रंट कैमरा कर लीजिए। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आज आपसे बात करूंगी तो मैं और भी अच्छी बन जाऊंगी। जो मेरे अंदर छोटी छोटी कमियां है वो भी आज निकाल दूंगी बाहर, बिल्कुल कुछ नया सीखूंगी आज आपसे जी, होपफुली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप ना बिल्कुल दो अलग अलग बिल्कुल जुदा पर्सनालिटीज को लेकर एक साथ चल रही हैं, है ना। वैसे लोग कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक आप ऐसी व्यक्तित्व है जो बैलेंस है अपने हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आपको ये जो दो रोल्स निभाने पड़ते हैं, ये बहुत मशक्कत का काम होगा आपके लिए, आप इसे बैलेंस कैसे कर लेती हैं? नहीं, मशक्कत का तो काम नहीं होता है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट और ये देखना कि प्रायोरिटी किसको देनी किस टाइम पे, वो ज्यादा जरूरी है। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि किस चीज की प्रायोरिटी है और हमें कहाँ पर पहले फोकस करना है और उस पे बैलेंस कर लिया जाए, तो आई थिंक सब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, जब आप पेज 3 के अखबारों में आती हैं और उसके बाद जब आप अचानक दुर्गा वाहिनी बन करके आप अपना काम कर रही होती हैं, तो लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित नहीं होते कि अरे अभी तो हमने आपको न्यूज़पेपर में देखा था, बिल्कुल ग्लैमरस वो था आपका, अब आप बिल्कुल शेरनी बन के अलग दिख रही हैं। तो लोगों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है जो आपके आसपास के लोग हैं? बिल्कुल होती है। इनफैक्ट जो मेरा जो अलग काम है, जहाँ हमें हार्ड कोर राइट विंग आइडियोलॉजी के बारे में काम करती हूँ, और हमारी फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में बात करें और आप राइट विंगर एक स्पेस हो और एक वोकल वॉइस हो हिंदुत्व की, तो जो नॉर्मली हमारी फैशन इंडस्ट्री रही है वो आपको
सही कहीं ना कहीं आउटकास्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर हम धर्म की बात नहीं करते, हम अपने विचारों को रखते नहीं है, क्योंकि बहुत लिबरल माइंडसेट होता है कि एक्सेप्टिंग एनीवन एंड एवरीवन हु इज अराउंड यू. तो इसलिए जब भी हम कभी फैशन इंडस्ट्री में जब मैं जाती हूँ और जिन लोगों को पता है कि मैं क्या काम करती हूँ फैशन इंडस्ट्री के बाहर, तो कुछ लोग तो बहुत बहुत यू नो ओवरवेलम होके बहुत मुझे एक्सेप्ट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, खासतौर से वो लोग जो शायद वो ओपनली बात नहीं कर पाते हैं अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, और वो लोग जो झिझकते हैं. थैंकफुली काफी लोगों ने अब बात करनी शुरू कर दी है. कुछ एक मैं कल एक प्रोग्राम में थी जहाँ पर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, आपको शायद बता भी रही थी, तो इन्फ्लुएंसर्स मुझे लगता है कि मैं कम से कम इन लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ कि आपकी जो सोच है उसके बारे में, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हो आपको वहां पर सो कॉल्ड अलाउड नहीं है आपको अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करना, तो आप झिझकिए मत. कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप स्टैंड लीजिए. थैंकफुली अब मुझे देखा देखी बहुत लोग बोलने लग गए हैं, बहुत लोग देखने लग गए हैं, बहुत लोग बात करने लग गए हैं, और मैं जो काम करती हूँ उस पे कुछ लोग ओपनली और कुछ लोग विदाउट कमिंग आउट इन ओपन मुझे अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. आपको जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं उससे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ट्रॉल करते होंगे और आपके बारे में पीछे बहुत कुछ कहते भी होंगे, तो आपके साथ जो ये होते ना जो सामने आपके दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते होंगे कि यार ये तो टीवी पैनल पे जाकर हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, ये बिल्कुल ऐसी बात करती है जो कि हमसे मैच नहीं खाता है, हम तो लिबरल लोग हैं, हम तो ऐसी बातें करते हैं, तो इसको इसके मतलब आपको कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ एडजस्ट कर पाने में आपको दिक्कत होती है या वो लोग आपको बुली करते हैं, उनको आप फेस करती हैं? मुझे फर्क एक्चुअली पड़ता नहीं है. मैं जिस परिवार से आती हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती हूँ. आपकी आवाज अचानक कट गई और देश कोई कॉल आया, आपका शायद कॉल आया था, आप अब हाँ अब बोलिए. मैं जिस परिवार से आती हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती हूँ, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, पद्मश्री होल्डर्स, इन सब के परिवार से जब मैं आती हूँ और जब मैंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की और सनातन धर्म की ही बातें शुरुआत से सुनी है और उसी बारे में उसी माहौल में जब मैं पली बड़ी हूँ और मैंने अपने बड़ों से अपने नाना नानी अपने माता पिता सबसे सिर्फ वही और वही बातें सुनी है, तो मुझे एक्चुअली कोई फर्क पड़ता नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात में डरना चाहिए. कोई कितना भी बुली करे इवेंचुअली उन्हें भी रियलाइज हो जाएगा सूनर और लेटर कि जो हम कर रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही राइट पाथ है. हम क्या बात में हम धर्म वर्ड जो है वो धर्म का मतलब ही टू बी ऑन द राइट पाथ है. हम अगर राइट पाथ आपकी आवाज कट रही है, शायद आपके पास बैक टू बैक कॉल्स आ रही है. वो ये टाइम ऐसा होता है. तो अगर हम अपने धर्म की बात नहीं करेंगे, अपने सनातन धर्म की बात नहीं करेंगे, एंड इफ आई डोंट अराउंड विद यू नो माय रिलीजन ऑन माय स्लीव्स, तो मेरे अस्तित्व का कोई फायदा नहीं है, मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है उसका कोई फायदा नहीं है. मैंने जो अपने घर में देखा है, जो अपने परिवार में देखा है, जो माहौल में मैं जितने पली पड़ी हूँ उसमें ना डरने वाला सिखाया गया है, डरना नहीं सिखाया गया है, अपनी बात को पोलाइटली प्यार से इज्जत से लेकिन फर्मली अपने सामने रखना वो सिखाया गया है. ये बताया गया कि बदतमीजी नहीं करनी है लेकिन अपनी बात कन्वे जरूर कर देनी है. तो जब मैं ये चीज सीखते हुए बड़ी हुई हूँ तो कोई कितना भी बुली करे सून और लेटर वो रियलाइज कर लेंगे. और आज भी काफी लोग करते हैं, कोशिश करते हैं. कुछ ही दिन पहले किसी एक फ्रेंड ने कहा कि यू नो मेरे साथ एक फोटोग्राफ ले ले, और किसी थर्ड पर्सन को बोला, एंड थर्ड पर्सन सपोजिडली इज यू नो सो कॉल्ड लिबरल है और वो भी मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसने इस तरह से एक टॉन्ट मारा कि इनके इसके साथ फोटोग्राफ चाहिए अगर तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा. एंड मैंने पलट के जवाब
जवाब दिया, एक बार नहीं 10 बार बोलना पड़ेगा, राम के देश में जय श्री राम बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना पड़ेगा। सो जब ये बात बोली गई तो उसे समझ में आ गया कि ये बुली होने वालों में से नहीं है और चुप हो जाओ। एंड ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले लगता था कि ये फ्रेंड्स हैं, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने इन लोगों को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है तो दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट मेरी आइडियोलॉजी। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सही बात आपने कही। अच्छा, आपको कभी किसी तरह का थ्रेट भी मिला है क्या आज तक, जिस तरह का आप काम कर रही हैं वो बहुत हिम्मत और हौसले वाला है और ऐसा है जिसमें बहुत से लोग पीछे भी पड़ जाते हैं, तो आपको कभी किसी तरह का थ्रेट कभी मिला? हम काम करते हैं एंड स्पेशली अभी ठीक है जी, जी अब ठीक है। हाँ, जब हम ओपनली जब बोलते हैं, बात करते हैं और किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, मैं यूजली अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, मैं किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडियोलॉजी को जरूर क्लियर करके सामने रखती हूँ, ओपनली बोलती हूँ उस बारे में। लोग बात करते हैं और बात करने के साथ साथ सोशल मीडिया पे थ्रेट्स आना, धमकी आना बड़ा नॉर्मल हो जाता है और लोग ट्रोल करते हैं, गलत गलत बातें भी लिखते हैं, बहुत बार लिखते हैं और धमकियां भी देते हैं, बट ठीक है, किसको नहीं मिली है। अगर इन धमकियों से अगर डर जाते तो क्या देश आजाद हो जाता? जो देश आजाद हुआ वो भी तो इसी चीजों को फेस करते करते, कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन हम आज एक स्वतंत्र देश में बैठे हैं, खुल के सांस ले पा रहे हैं, वो इसी वजह से कि कुछ लोग डरे नहीं। तो कोई बात नहीं, काम का इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क। आपका मिशन क्या है, आप किस ध्येय के साथ काम कर रही हैं? देखिए योगिता, मैं एक संगठन है हमारा विश्व सनातन हिंदू संघ, उसके अंतर्गत हम जितने सनातनी हैं, हम लोगों को, हम लोग जो हिंदुस्तान है हमारा, वो एक 1000 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ और उसके बावजूद हम पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए, जो सनातन धर्म है वो आजाद नहीं हो पाया। जहां तो हमें जुड़ के रहना चाहिए था 47 की आजादी के बाद, वहां पर हमें बार बार तोड़ा गया, कभी ऊंच नीच के आड़ की आड़ लेके, कभी जातियों की आड़ लेके, कभी धर्म की आड़ लेके। तो जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके गए, वो डिवाइड एंड रूल हमारा 47 के बाद भी चलता रहा। तोड़ो, बांटो और उनके ऊपर राज करो, जो आज भी हो रहा है। हमारे संगठन का सबसे क्लियर एक मोटिव है कि एक तो हम जात पात में जो लोग बंद गए हैं, जो हमारे सनातनी जो है वो ये कहने से पहले कि हम हिंदू हैं, वो अपनी जात की बात करते हैं, कोई ब्राह्मण हो गया है, कोई वैश्य हो गया है, कोई ठाकुर हो गया है, कोई कुछ भी, सब अपने अपनी अपनी जातियों की बात करते हैं। सबसे पहले तो वो जातियों का जो कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमागों से, वो निकलना चाहिए। आज अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप रौचिका हो, आप क्या हो, तो मैं ये ना कहूँ कि मैं अग्रवाल हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जात बाद में आती है, मेरा कास्ट बाद में आता है, मेरा जो वर्ण सिस्टम के हिसाब से जो हमें पाटा किया था वो बाद में आता है, पहले तो मैं सनातनी हूँ ना। तो हिंदुस्तान जो है एक सनातन संस्कृति का देश है, सनातन धर्म की हम बात अगर करते हैं, तो यहाँ पर जब तक हमारे को इन्वेडर्स नहीं आए, जो हमें लूटपाट करने नहीं आए, तब तक सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की हम बात करते थे और सिर्फ सनातनी थे यहाँ, उनको बार बार बांटा गया, तोड़ा गया। तो हम संगठन के अंतर्गत, हम विश्व सनातन हिंदू संघ के अंतर्गत, हम सबसे पहले तो हम सभी सनातनियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जातियों की बात मत करो, आप पहले हिंदू हो उस पे गर्व करो, उसकी बात करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। फिर साथ ही साथ में कई सारे ऐसे और संगठन हैं जो हिंदुत्व की ही बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपने जातियों की बात करते हैं, अपनी कास्ट की बात करते हैं, अपने कम्युनिटी की बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम उन सब संगठनों को भी साथ में लेके आए, उन सब संगठनों को साथ लेकर आए कि ठीक है, आपको करना है
अपने कम्युनिटी के बारे में बात करनी है, अपने समाज के बारे में बात करनी है, बहुत खुशी से करिए। लेकिन जब भगवा की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, जब देश की बात आती है, तब आप सिर्फ और सिर्फ भगवा के अंदर आ जाइए। आप अपने झंडे साइड रख दीजिए, तब आप सिर्फ और एक सिर्फ झंडे की बात करिए जो कि है भगवा झंडा। हमारा अपना, हमारा जो अभिमान है, हमारा जो मान है, वो हमारा देश है और हमारा भगवा है, उसमें साथ में आ जाइए। उसके अलावा आप जितना अपने समाज के साथ, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। जब कोई भी समाज, कोई भी कास्ट जब खड़ी होगी, तो इवेंचुअली हमारा सनातन धर्म ही स्ट्रांग होगा। उनको आप स्ट्रांग करिए इंडिविजुअली जितना करना है, लेकिन जब सनातन की बात आती है तब सब साथ आ जाइए। हमने अभी 11 फरवरी को एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में, इस्कॉन ऑडिटोरियम, इस्कॉन मंदिर के ऑडिटोरियम में। उसमें हमारे 35 संगठन हमारे साथ जुड़े थे और 35 संगठनों का सबका एक ही मत था कि हम जो काम कर रहे हैं, अलग अलग समाज से थे, वैश्य समाज से भी थे, क्षत्रिय समाज से भी थे, ब्राह्मण समाज से भी थे, बौद्ध समाज से भी थे, सब समाजों से सब लोग आए थे, और सबका एक ही मत था कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए। जहां हिंदुत्व की, सनातन की बात हो, देश हित की बात हो, सनातन हित की बात हो, हम सब एक हो जाएंगे। और हम उस टाइम अपनी जात पात, अपनी अपनी जो हमारे ऊंच नीच है, उन सबको अलग रख देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ एक जय सनातन धर्म की बात करेंगे। ये हमारा, हमारे संगठन का मकसद है। इसी वजह से हमने देश विदेश से लोगों को जोड़ रखा है। जो हमारी इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, जैसे यूके, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, स्कॉटलैंड, यूके, इन सब जगह पे हमारे अपने चैप्टर्स हैं। और बहुत प्रोमिनेंट फेसेस जो हैं, जो हिंदुत्व के बहुत प्रोमिनेंट फेसेस हैं उन पर्टिकुलर कंट्रीज में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे, कुछ हमारे चैप्टर प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को जोड़ने का, और एक जो कई सालों से जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है एंटी इंडिया एंड एंटी सनातन धर्म, जो कि हम बार बार देखते हैं, चाहे हम अपने आसपास देखें, चाहे हम अपनी फिल्मों के माध्यम से देखें, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से देखें, जिस तरीके की एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, जिस तरह से हमारे बच्चों को बिना उनको रियलाइज करे एंटी हिंदू बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और उस नैरेटिव को करेक्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब हमारा काम चल रहा है संगठन के अंतर्गत। देश में भी हमारे पास हर प्रदेश में, हर जिले में, हर शहर में हमारे अपने लोग हैं, कार्यकारिणी है, जो कि उन सब कामों पे काम करती है जहां पर सनातन धर्मों पे या हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो कन्वर्जन के माध्यम से हो, या लव जिहाद के माध्यम से हो, या भूमि अधिकरण के मामले इसके रास्ते से हो, चाहे हमारे मंदिरों पर अटैक करने के तरीके से हो। बहुत बहुत तरीके हैं जिस वजह से हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है, लोगों को नजर नहीं आ रहा। गाँव के गांव कन्वर्ट हो गए हैं, राम के देश में राम के जो भक्त हैं उन्हीं को अपना ही शहर, अपना ही गांव छोड़ के जाना पड़ता है, पलायन हो जाता है। तो उन सबको रोकने के लिए, उन सबको एकत्रित करने के लिए और उन सबके खिलाफ आवाज उठाने काम करने के लिए, उन सब पे हमारा संगठन काम कर रहा है। और मिशन तो एक ही है, एक अखंड हिंदू राष्ट्र, और वही हमारा मकसद है, वही हमारी सोच है, और उसी पे हम काम करना चाहते हैं और हम लगातार उसी के रास्ते पे काम कर रहे हैं। मैं जगह जगह जाती हूँ, सारे में ट्रैवल करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज के जो युवा हैं हमारे, जो OTT कुछ एक सेट है जो सिर्फ OTT पे और वीडियो गेम्स में और मार्वल्स मूवीज में अटक के रह गया है, और एक सेट ऑफ युवा है हमारे जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो वापस गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, जो वापस हमारी वेदों को पढ़ना चाहते हैं, हमारी गीता को पढ़ना चाहते हैं, हमारे रामायण महाभारत को पढ़ना चाहते हैं, उन सब बच्चों को जब मैं देखती हूँ, यंग बच्चों को देखती हूँ, तो बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि हाँ, जो बिगाड़ आ गया था पिछले 75 सालों में, वो बिगाड़ अब सुधर रहा है। हाँ, संभल
रहा है और जितना हम जितना गंदगी फैल गई थी उसको अब समेटा जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है और हम फिर से एक सात्विक संस्कृति की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, जहां पर हम मंत्रों की बात करते हैं, हम पूजा पाठ की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं। थैंकफुली कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सब लोग वापस हमारी सनातन संस्कृति की तौर तरीकों पे वापस आ गए। पहले जब आप नमस्ते करते थे तो लोग सोचते थे कि अरे ये तो बड़ा बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, गंवार है, लेकिन आज आप देखिए ना इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स नमस्ते करते हैं, तो हम लोगों को लगता है तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं जिनमें इतनी हीन भावना है कि आजादी से निकल आजादी तो मिल गई है लेकिन वो जो एक गुलामी की मानसिकता है वो नहीं मिली है, वहां आजादी नहीं मिली है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अरे उस फला फला कंट्री के प्रेसिडेंट ने या फिर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ लिए तो हम भी हाथ जोड़ेंगे, तो कम से कम चलो उनको ही आइडियलाइज कर लो, लेकिन वो हमें हमारी संस्कृति को वो फॉलो कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को वो फॉलो कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे हुआ कि हम लोग घर के बाहर अपने जूते चप्पल रख के आते थे, हाथ धोकर आते थे, लेकिन यही हमारा पहले चलता था, हम लोग पहले हर घर के बाहर नल होता था जिसमें हाथ मुंह धोकर पैर धोकर ही हम घर के अंदर आते थे, ये हमारी पहले से ही संस्कृति चलती ही आई है और ये सब साइंटिफिक है, लेकिन लोगों ने इनको हमारी रूढ़िवादिता या फिर आप तो जी पुराने जमाने के हो ये करते हो उन चीजों से जो जोड़ दिया था उस पर कम से कम अब लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोग जान गए हैं, पहचान गए हैं कि ये यही तरीका है, यही सही तरीका है, सनातन तरीका तरीके से जीना ही इज द राइट वे टू लिव। आपने बिल्कुल सही बात कही, आपकी आपने जितनी बातें मुझे बताई, जैसे आपने कहा कि फिल्मों के माध्यम से कुछ ऐसा धीरे धीरे एक मीठा जहर और मीठा बदलाव दिमाग में किया गया कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने बहुत सारी गलत चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और हमने कहा ठीक है, हमारे भगवान का मजाक उड़ा, हमने कहा ठीक है तो कॉमेडी है तो फनी है, हम इस मोड पर पहुंच चुके थे। अब आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर है, अब आप सर्टिफिकेशन की पोजिशन पर है सेंसर बोर्ड की, आपके सिग्नेचर्स बहुत मायने रखते हैं, अब जब फिल्में आप साइन करती हैं, उनको सर्टिफिकेशन देती हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चीज होती है जिसको आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, क्योंकि वहां तो आप बायस नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बायस भी नहीं हो सकते, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है जब मैं सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग के लिए बैठती हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे प्रोज और कॉन्स देखने पड़ते हैं, कई बार हमारा एक छोटा सा डिसीजन अगर वो गलत हो गया तो उससे हमें बहुत फर्क भी पड़ता है, और एक मूवी बनाना हमारा ध्येय ये रहता है कि हर मूवी थिएटर को हिट करे। हमारा ध्येय सेंसर बोर्ड मेंबर मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा ये ध्येय ये नहीं होता जो लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड ने ये काट दिया वो काट दिया ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, हमारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ एक ये होता है कि जब इतना पैसा लग के अगर एक मूवी हिट कर रही है थिएटर्स में हमारे पास आई है तो वो थिएटर को हिट करनी चाहिए, उसमें इतने लोगों का ना सिर्फ पैसा पर टाइम एनर्जी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इवेंचुअली हमारे पास से ये क्लियर होके ये थिएटर में जाए और अपना पैसा रिकवर करे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े एक्टर्स की बात नहीं है, वहां पर वो लोग भी हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, बिल्कुल उन लोगों की रोजी रोटी भी जो है वो उन फिल्मों में फिल्मों के थिएटर पे हिट करने से ही कहां चलेगी, वो काम करेगी वो चलेगी पिक्चर जाएगी तभी करेगी, लेकिन उसी के साथ साथ जितना बिगाड़ रहा है 70 सालों में हमारे यहाँ उसको सुधारना बहुत जरूरी है। एक छोटी छोटी चीजों के साथ हमारे यहाँ फिल्मों में एक एंटी सनातन एंटी हिंदू सोच को परोसा गया, अगर जितने भी हमारे पंडित होंगे वो गलत काम करेंगे, मंदिरों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जितने वैश्य होंगे वो लूटपाट करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जितने क्षत्रिय होंगे वो टीका लगा के गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन अगर एक कोड़ी भी होगा अगर, तो
लेकिन और वो किसी और कम्युनिटी का है, वो हिंदू ना होके वो दूसरी कम्युनिटी का है, तो वो सडनली अल्लाह का बंदा बन जाता है। ये सोच दिखाई गई है हमारे यहाँ, जो जिस तरीके के जो राइटर्स रहे हैं, वो उन राइटर्स ने जो परोसा गया है कि मंदिर में जूते पहन के लीड एक्टर खड़ा होता है और वो ईश्वर की प्रतिमा के सामने ये कहता है, तू है क्या, तू तो एक पत्थर की मूर्ति है, तू तो एक पत्थर है। तो लोगों के, बच्चों के दिमागों में क्या डाला गया कि इस, ये जो प्रतिमा है ये सिर्फ एक पत्थर है और इस पत्थर में कोई जान नहीं है, पत्थर की कोई मान्यता नहीं है और इस पत्थर को पूजने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। ये धीरे धीरे बिठा दिया गया इस तरीके का, इस तरीके की आपको अपब्रिंगिंग दी गई एंटरटेनमेंट के थ्रू। जब पीके मूवी में शिव जी के कपड़े पहन के एक एक्टर भागता है, दौड़ता है, तो उसमें लोगों को हंसी आई। वहां पर एक पत्थर को रख दिया गया पेड़ के नीचे और उसके आसपास थोड़े से फूल डाल दिए गए और उसके ऊपर टीका लगा दिया गया, तो लोगों ने इस बात से कोरिलेट किया कि हाँ ऐसा तो होता है। लेकिन उस जगह किसी ने ये नहीं दिमाग लगाया कि कई जगह पे सड़कों के किनारे पे खरी चादर डाल के भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है। जगह जगह लोगों को दफना के उन जगहों को भी घेरा जा रहा है। हम जिन जिन मजारों पे जाते हैं चादरें चढ़ाने के लिए, हमारे हिंदू ही हैं जो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम हिंदू ही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फिल्मों से देख के जाते हैं, एक फैशन है कि अरे वो एक्टर गया था तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन अपने क्या देवी देवता आपके पास कम है? उनके पास आप नहीं जाएंगे, उनके पास हाथ जोड़ने, उनके मत्था टेकने नहीं जाएंगे आप? आपको क्यों शर्म आती है बिंदी लगाने में? आपको क्यों शर्म आती है चोटी रखने में? क्यों शिखा रखने में आपको शर्म आती है? क्यों तिलक लगाने में शर्म आती है? आपको अपना धोती कुर्ता पहनने में शर्म क्यों आती है? क्या किसी और कम्युनिटी ने आके ये कहा कि मत पहनो? अगर दूसरी कम्युनिटी अपने गले में क्रॉस पहन के घूमती है या ताबीज पहन के घूमती है या टोपी लगा के घूमती है, तो क्या उस कम्युनिटी को हमने जाके कहा कि क्यों पहनते हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। और क्या उन लोगों ने हमें आके कहा कि क्यों बिंदी लगाते हो तुम, क्यों शिखा रखते हो? महिलाएं क्यों मंगलसूत्र पहनती हैं, क्यों चूड़ियां पहनती हैं, क्यों बिछुए पहनती हैं, क्यों तिलक लगाती हैं, क्यों मर्द धोती कुर्ता पहनते नहीं है? उन्होंने नहीं कहा, हमारे हिंदुओं ने ही करना रोक छोड़ दिया। क्योंकि मॉडर्न बनने की होड़ में, वेस्टर्नाइज कल्चर को कॉपी करने की होड़ में उन्होंने अपनी संस्कृति साइड रख दी और अधकचरे हो गए। ना पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो पाए, ना सनातनी रह पाए, ना हिंदुस्तानी रह पाए। बिल्कुल ठीक है। बैलेंस करना तो जरूरी है ना। अगर आप कहीं जाते हैं, मैं अगर एक एक पेस्ट्री फंक पार्टी में जाती हूँ, मैं एक प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं एक अपने एक फैशन शो में जाती हूँ, अगर तो मैंने अगर वेस्टर्नाइज कपड़े पहने हुए, तो हाथ में मेरे कलावा भी लगातार बंधा होता है, मुझे उससे शर्म नहीं आती है। लेकिन क्यों लड़कियों ने छोड़ दिया, क्यों महिलाओं ने छोड़ दिया, क्यों हमारे भाइयों ने छोड़ दिया ये सब करना? क्या उन्होंने कहा आके? नहीं, वो फिल्मों से सीखा। जो हीरोइन पहन रही है हम वो पहनेंगे। किसी हीरो हीरोइन ने अगर शादी में लाल रंग गुलाबी रंग नहीं पहना है, सफेद पहना है, बिंदी नहीं लगाई है, तो वो उसको कॉपी करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है। उनका बैकग्राउंड ही एंटी हिंदू रहा है, वो हिंदू है ही नहीं। अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस का कपल जो है वो अगर सफेद पहन रहा है, हरी माला अपनी शादी में पहन रहा है, तो उनका वो पीछे से हिंदू है ही नहीं, इसलिए पहन रहे हैं। लेकिन आप आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके आप उनको कॉपी
करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने सफेद पहना. हमारे यहाँ क्या सफेद पहना जाता है शादी में? सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक कब पहना जाता है, एक एक वैधव्य में पहना जाता है. एक जो विवाहित स्त्री होती है वो एक ऐसे टाइम पे सफेद पहनती है जब उसका सुहाग नहीं हो. लेकिन शादी में मंडप में आप बैठे हो सफेद कपड़े पहन के और लोग उसे फैशन समझ के उसको कॉपी कर रहे हैं, ये कहां की तुक हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्मों से हम लोगों को ये बताया गया हमेशा, हमें बचपन से जो किताबें हमने मैगजीन्स पढ़ी, अरे ये एक्टर ये करता है, ये एक्टर ये करता है. अरे वो एक्टर के साथ साथ आप ये भी तो ध्यान रखो कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा उस टाइम पे जिस टाइम हम देश देश आजाद हुआ था, और तब वो पिक्चरों में चल पाया. आज की तारीख में सारे खान अपना खान लगा के काम कर रहे हैं. और फिर वो हमारे ही देश में हमारे ही ईश्वर का मजाक उड़ाते. अभी पिक्चर आई है आदि पुरुष, रामायण का बिल्कुल बिल्कुल अलग कर दिया, मजाक उड़ाया गया हमारी आस्था का. किस लिए? क्योंकि कुछ लोग हमारे में से ही हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. हम हिंदू ही एक साथ नहीं जा रही थी कि क्या वो फिल्म भी जो है वो आपके पास आई थी उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए? क्या वो फिल्म मेरे पास नहीं आई? कई काफी मेंबर्स हैं एंड वो मूवी बॉम्बे से पास हुई है. और पास करने वालों के दिल दिमाग में उस टाइम क्या रहा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मेरे पास आई होती तो वो फॉर श्योर पास नहीं होती. वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो रामायण का को इतनी गलत नैरेटिव दिया गया है. रामायण को जिस तरीके से बनाया गया है उस मूवी में वो बिल्कुल फर्क है. आप क्या परोसना चाहते हैं? आप हमारी रामायण का मजाक उड़ा के क्या यंग जनरेशन को एक गलत रामायण परोसना चाहते हैं जिससे कि वो हमारी जो आस्था रही है अपने ईश्वर के प्रति, हमारे राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के प्रति, क्या उसको बिल्कुल बदलना चाहते हैं? उनको गलत नजरों से दिखाना चाहते हैं? हमारे लिए वो पूजनीय रहे हैं हमेशा. हमारे लिए रामचंद्र जी, यहाँ तक कि आप ही देखिए जो पहले हमने रामायण हमारी जी की उसमें जो अरुण गोविल जी थे वो आज भी अगर कहीं पर निकलते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं. क्या इसमें जिस तरीके की रामायण दिखाई गई है क्या आप प्रभास की कोई भी पैर छूने की इच्छा करेगा? पहले तो नाम ही गलत है. आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, मनु थे हमारे प्रथम पुरुष, मनु महाराज थे. रामचंद्र जी को आदि पुरुष बताते हैं. लंका काली दिखाई है, कोयले की लंका, सोने की लंका थी, सोने को कोयला बना, सोने की लंका थी. आप कैरेक्टर्स के कपड़े लेदर चमड़े के कपड़े, रामचंद्र जी चमड़े के कपड़े पहनेंगे, जूते पहनेंगे, काउबॉयज वाले आपने शूज पहना दिए वहां पर, मुझे लगा दी, ये क्या तरीका था? हनुमान जी हमारे पूजनीय है, हमारे बजरंग बली, और उन बजरंग बली का आप रूप बना देते हो, दाढ़ी लगा देते हो बिना मूछों के एक मौलवी वाला, किस लिए? क्या देना दिखाना चाहते हो? रावण प्रखंड विद्वान था, वो इतना विद्वान इंसान था कि उसे ये मालूम था जब सुपनखा का की सुपनखा रोते रोते गई, वो उस टाइम वो समझ गया था कि श्री हरि आए हैं, श्रीहरि आए हैं, इसलिए अब मुझे मुक्ति सिर्फ एक तरीके से मिल सकती है, मैं श्री हरि को अपने पास बुलाऊं और श्री हरि के हाथों मोक्ष पाऊं. उसने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोक्ष के लिए किया, श्री हरि के हाथों, कि अब विष्णु जी के अवतार आ गए हैं, श्री राम आ गए हैं, मुझे उनके हाथों अगर मुझे मोक्ष मिल जाए तो उससे बड़ा मेरे लिए वरदान कुछ नहीं हो सकता. उसने जो किया उसके लिए किया, लेकिन आप वहां पर क्या दिखा रहे हो? उसको एक एनिमेटेड 10-10 अजीब तरीके के सिर दिखा दिए हैं, उसकी गलत भाषा दिखा दी है, क्या दिखाना चाह रहे थे? इतना प्रखंड विद्वान कि जिसने शिव चालीसा लिख दी हो. आज भी हम शिव चालीसा जो करते हैं वो रावण की लिखी हुई करते हैं, जिसने अपनी मर्यादा को नहीं लांघा, लेकिन फिर भी चाहे उसने अपने पर्सनल हित के लिए कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा उसके लिए चाहे उसने सीता जी का अपहरण किया हो, फिर भी आज भी उसे जलाया जाता है.
उस हर साल एक गलती के लिए, बिल्कुल उस एक गलती के लिए जलाया जाता है, लेकिन आप गलती पे गलतियां कर रहे हैं। सीता जी को आप सफेद कपड़ों में दिखा देते हैं, बैंगनी कपड़ों में दिखा देते हैं, वो वनवास में गए थे, उन्होंने पूरे टाइम भगवा पहना है। उसके युद्ध से पहले आप क्या दिखाते हैं कि रावण मिलने आया है रामचंद्र जी से, और सीता जी का गला एक आइजस के स्टाइल में काट दिया किसी ने पीछे से खड़े होके। कहां मिला मेघनाथ रामचंद्र जी को युद्ध से पहले? कहीं नहीं मिला। जिस तरीके के डायलॉग्स दिखाए गए हैं, ये तो फिसड्डी है। हनुमान जी कह रहे हैं तेरे तेरे बाप का, क्या हुआ है ये? मनोज मुंतशिर क्या कर रहे थे? मुझे मुझे सच में सबसे बड़ा दुख ना मनोज जी का ही था, जिस व्यक्ति को मुझे, मैं एक्चुअली उनको फॉलो करती थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उनके मुख से राम के व्यक्तित्व को सुना, कृष्ण के व्यक्तित्व को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जिस तरीके से प्रसंग सुनाते हैं दिल में उतर जाता है। पर जब उन्होंने ये लिखा तो मुझे लगा यार क्या कोई प्रेशर था उनके ऊपर कि कुछ ऐसा लिखो, और अगर ऐसा प्रेशर था तो उनको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की प्रेशर चीजें बताई हैं, प्रेशर से ज्यादा योग्यता। कुछ लोग ना प्लानिंग के तहत कुछ काम करते हैं। देखिए आप अगर अलग तरीके से उनका उनकी अगर फैमिली को देखें तो उनकी पत्नी जो है नीलम, वो राणा अय्यूब की तारीफें करती हैं सोशल मीडिया पे, जो कि एंटी इंडिया है। वो बरखा दत्त की तारीफें करती हैं जो कि एंटी इंडिया है, एंटी सनातन है। जब आपकी पत्नी उन लोगों की तारीफें कर रही हैं जो हमारे सनातन संस्कृति या हमारे देश के अगेंस्ट बात करते हैं, उनके दुश्मन हैं, आप घर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप घर में चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, घर में सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो आपने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मैं घर में जो मेरा माहौल है या मैं जो खुद हूं एक सेक्युलर, लेकिन अब हिंदुओं के दिल में जगह कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं पिक्चर बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, और पिक्चर जो बनानी है मुझे वो रामायण के ऊपर बनानी है, लेकिन रामायण को गलत तरीके से परोसना है जिससे कि मैं नैरेटिव चेंज कर सकूं आजकल के बच्चों के लिए। तो मैं क्या करूं, मैं एक हिंदुत्व का चेहरा बन जाता हूं। लिखने की बोलने की कला है, उसे आप कैसे भी लिख सक कैसे भी कर सकते हैं, आप उस कला को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत एक प्लानिंग के तहत अपने आप को एक सनातन धर्म का चेहरा बना दिया, और उसी की आड़ में आपने आदि पुरुष को लॉन्च किया। कुछ लोग शुरुआत में देखने भी गए, जो एडवांस बुकिंग हुई 3 दिन, वो इसीलिए देखने गए, मनोज मुंतशिर ने बनाई है, मनोज मुंतशिर इसमें इन्वॉल्व है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे से कई लोगों को ट्रेलर जब इसका रिलीज हुआ और मैंने कई चीजों पर ऑब्जेक्शन उठाया कि रावण को खिलजी जैसा क्यों बनाया गया है, वो खली बली क्यों कर रहा है, लेकिन लोगों ने उस टाइम नहीं उस चीज पे ध्यान दिया। लोगों ने कहा नहीं नहीं तू तो ऐसे ही बोल रही है, तू बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। बट बाद में क्या हुआ, रावण जो शिव भक्त था, वो सीता जी को जब अपहरण करके लेके जा रहा है, वो रुद्राक्ष की माला उसने हाथ में बांधी हुई, वो तोड़ देता है। शिव भक्त क्या रुद्राक्ष तोड़ देगा? पुष्प विमान की जगह क्या चमगादड़ पे ट्रैवल करेगा? सांपों से जो जिन 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 शिवजी के गले में आभूषण बन के एक हमारे सर्प रहते थे, वो ना उस उन नाग से वो अपनी मालिश कराएगा? ये दिखाएंगे? विभीषण जो कि इतने सात्विक थे कि उन्होंने एक गलत काम की वजह से, और क्योंकि रावण के दिल दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अभी की अभी यहाँ पर मुझे पीछा मुझे वो नहीं करना है, और मुझे युद्ध करना है श्री हरि से, और मुझे मोक्ष प्रदान मुझे पाना है, इसलिए उसने विभीषण की भी बात नहीं मानी, और उसने विभीषण की के सलाह को भी नहीं माना। उस विभीषण ने इतना समझाया कि आप छोड़ दो, आप सीता जी को वापस कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं उसने नहीं सुना। उस विभीषण को वहां पर शराब पीते दिखाया जाता है। मैं ये सिर्फ
ये पूरी की पूरी फिल्म देखने के बाद बोल रही हूँ, कुछ लोग सिर्फ बिना फिल्म देखे बोल रहे हैं, मैं फिल्म देखने के बाद बोल रही हूँ। आपने तो पृष्ठभूमि ही चेंज कर दी ना, आपने कैरेक्टर ही चेंज कर दिए। एक वैद आते हैं लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो जाते हैं, लंका से ही वैद आते हैं, हनुमान जी उन वैद जी को लेके आते हैं और उन वैद जी के इलाज से वो ठीक होते हैं जब संजीवनी बूटी आ जाती है लक्ष्मण जी। लेकिन यहाँ पर इलाज कौन कर रहा है? विभीषण की पत्नी। क्या कर रहे हैं आपने हमारी फैक्ट के साथ इतना तोड़ मरोड़ के रख दिया है और फिर कहते हैं कि ये मेरा वर्जन है। नहीं, आप अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं हमारे धर्म के साथ, हमारी हमारे हमारे इतिहास के साथ। बिल्कुल ठीक। आप में क्या इतनी हिम्मत है कि आप किसी और धर्म की किताबों के साथ, उनके ग्रंथों के साथ ये छेड़छाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल हिम्मत है तो करके दिखाइए। जहाँ असल में हम हिंदू हमेशा से लिबरल रहे हैं, जहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं, क्या उन लोगों के बारे में आप इस तरीके की फिल्म बना सकते हैं? देख रहे हैं ना, 72 हुरे पिक्चर बन रही है, अजमेर 92 बन रही है, उस पे क्या हाल मचा हुआ है। तो अगर सनातनी आदि पुरुष के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्या गलत? बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से इससे आप जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रही हैं सीन वाइज, शायद किसी ने भी इतना खुल के एक एक चीज के बारे में नहीं बताया। और बहुत से लोग जो है फिल्म शायद इसलिए भी देखने पहुंच जा रहे हैं कि देखे तो उसमें ऐसा है क्या। खैर बिल्कुल, अब जाग रहे हैं, ये जागना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब नहीं उठे तो कभी नहीं उठ पाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। अब बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमारे हिंदुओं की थोड़ी ये जो कमी है, वो जो सो जाने की, वो उसको उनको उनको उस पर काम करना पड़ेगा। अब हम हिंदुओं को जागना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। जहां हमारे धर्म की बात आती है तो आप प्लीज झिझके नहीं, शर्माए नहीं, डरे नहीं, बोलना है बोलिए। मुझे भी लोग बोलते हैं, मेरे को भी काफी जगह, क्योंकि मेरे मेरे काफी लोग ऐसे हैं, लेकिन जहां पर उन लोगों को बड़ा अजीब लगता है जब मैं जय श्री राम बोलती हूँ, उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जब मैं वंदे मातरम बोलती हूँ, उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जब मैं जय हिंद बोलती हूँ। लेकिन जय हिंद बोलना पड़ेगा आपको, जय श्री राम बोलना पड़ेगा आपको, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। आप राम के देश में और राम का नाम लेने में आपको शर्म आए? इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जब हम गुड मॉर्निंग सुनते हैं, हम अस्सलाम वालेकुम सुन लेते हैं, तो हमें जय श्री राम सुनने में क्यों शर्म आती? मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगी। हम हमेशा, जैसे मैं प्लेज वगैरह करती थी तो मैं मुस्लिम लड़की बनती थी, तो हमेशा मुझे ना ये आदाब अर्ज है, सलाम वालेकुम, ये सब बोलना बहुत पसंद था। तो कभी भी कोई ऐसा मिलता था तो मैं हमेशा ऐसे बोल दिया करती थी, क्योंकि कभी हमारे दिमाग में ये चीजें तो थी भी नहीं ना कि लोग इतने अलग होते हैं कि वो आपके जय श्री राम को नहीं बोल सकते। बड़े होने के बाद जब मैंने कई बार नोटिस किया कि जय श्री राम कभी कोई बोलता ही नहीं था सामने से, तो फिर मैंने भी धीरे धीरे अपने आप को बदला और मैंने भी ये बोलना बंद किया। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे राम जी इतने छोटे हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती। मैं जब आपके लिए आपको आदाब कह सकती हूँ, आपके हिसाब से आपको जवाब दे सकती हूँ, तो आप मेरे जय श्री राम का जवाब भी तो दे सकते हैं जय श्री राम के नाम पे। पर वो इतनी कट्टरता है कि वो नहीं बोलते हैं, मतलब नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। और योगिता जी, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर आज भी गांव गांव में ईद की राम राम बोला जाता है। हाँ हाँ आज भी जब लोग एक दूसरे को, अगर हमारे मुस्लिम भाई बहन है, अगर उनको ईद की शुभकामनाएं देनी होती हैं तो ईद की राम राम बोलते हैं। हम उस देश में जय श्री राम बोलने में और राम राम करके अभिवादन करने में शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक इस तरीके की दिमाग सोच भर दी गई कि दूसरा अगर बोल रहा है, अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, तो वो तो अपनी संस्कृति साथ लेके चल रहा है। लेकिन जहां मैं जय श्री राम बोलती हूँ, मैं कम्युनल हो जाती हूँ। क्यों? मैं कम्युनल कैसे हो जाती हूँ? वो अपने अभिवादन बोल रहे हैं, मैं अपना अभिवादन बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ जय श्री राम अभिवादन भी रहा है, संबोधन भी रहा है, और हम एक दूसरे को एड्रेस करके खुशी में भी बोलते हैं, और हर तरीके से हमारे यहाँ बोला जाता है राम राम। मेरे यहाँ तो जितना स्टाफ है वो बोलता ही राम राम है।
तो और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू स्टाफ बोलता है, जो दूसरा स्टाफ अगर है, अगर मेरे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी कम्युनिटी के हैं, वो भी राम राम बोलते हैं कि इनके तो राम राम ही क्या कहा जाता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि उन चीजों का चलन बंद कर दिया, हम खुद ही सोचने लगे नहीं 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 बोलते, दूसरे को बुरा ना लगे। अरे दूसरा कब कब सोचता है आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? कोई नहीं सोचता। मैं अपने दोस्तों के साथ, अगर मेरे अगर जानकार अगर ऐसे हैं जो मस्जिदों में जाते हैं या मजारों पे जाते हैं, अगर मैं उनके साथ जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ जाने चाहिए मंदिरों में, वो भी मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। ये हमें स्टैंड लेना जरूरी है। बहुत जब तक हम वो स्टैंड नहीं बेहतरीन। लेंगे तब तक हम झुकते रहेंगे। हम दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम छोटे नहीं है, हम नीचे नहीं है, हम सबसे बड़े हैं। हमारा धर्म सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान, भारत जो है वो संस्कृति से हिंदू राष्ट्र है, वो सनातनी देश है। जितने लोग आए, चाहे वो दूसरा जो भी कम्युनिटी आई है, वो सिर्फ इन्वेडर्स के थ्रू आई है। हम हमेशा से हिंदू राष्ट्र थे। तो आज अगर हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो उसमें क्या गलत बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र में ये नहीं है कि कोई और नहीं रह सकता, सब रह सकते हैं, लेकिन सोच हिंदुत्व की होनी चाहिए। और किसने इन दिनों में हिंदुत्व की बात नहीं करी है? किसने वो संस्कृति, सनातन संस्कृति को फॉलो नहीं किया? कोविड के टाइम पे हर किसी ने किया, हर किसी ने योगा किया है, हर किसी ने प्राणायाम किया। तो उस योग को, उस प्राणायाम को, उस हाथ जोड़ के नमस्ते करने को, उसे को एक्सेप्ट करने से क्यों डरते हो? उसे एक्नॉलेज करने से बिल्कुल क्यों डरते हो? वो डर खत्म करना पड़ेगा, वो शर्म, वो झिझक के मंदिर में अगर हम जाएंगे तो हमारे फ्रेंड्स ने देख लिया तो कहेगा अरे तू मंदिर भी जाता है। उस शर्म और उस झिझक से निकलना पड़ेगा कि कमी कोई हमें बैकवर्ड ना कह दे, कोई ये ना कह दे कि अरे तू अपनी फैमिली के साथ मंदिर में भी जाके पूजा करता है। ये सोच डाल दी गई है, एक डर डाल दिया गया है, एक शर्म डाल दी गई है, एक झिझक डाल दी गई है। हम लोग हर, आज मंगलवार है, हम अपने आसपास के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ पास के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हमारे सारे यहाँ पर जितने सनातनी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, वो सब जुड़ते हैं हमारे साथ। और वहां पर झुग्गियों के बच्चे, जिसमें वो शायद 1.5-2 साल के बच्चे भी होते हैं और 14-15 साल तक के बच्चे होते हैं, वो सब वहां पर होते हैं। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो हनुमान जी की आरती करते हैं, राम स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं। अरे वाह, और उनके अंदर हमने अभी से अपनी सनातन संस्कृति को डालना शुरू कर दिया। वो कहीं हमारी भी गलती रही है कि हमने बच्चों को कभी पूजा पाठ का महत्व नहीं बताया। हमने ये नहीं कभी बताया कि घर में अगर पूजा हो रही है तो बच्चों शांति से बैठो और पूजा पे ध्यान दो। बच्चे खेलते कूदते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, और हम कभी कोई अगर रोक भी देता तो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, करने दो शैतान। नहीं, उन बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि पूजा हो रही है, तुम्हें हाथ जोड़ के पूजा के सामने बैठना है, पूजा करनी है, पूजा पद्धति सीखनी है। गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, पहले दादा दादी के साथ रहते थे, दादी जब रामायण पढ़ती थी बच्चे साथ में बैठते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से ना दादा दादी की कहानियां सुनने को मिलती हैं, ना रामायण गीता का पाठ सुनने को मिलता है, ना दादाजी से उनको पंचतंत्र की कहानियां सुनने को मिलती हैं, वो सीख ही नहीं मिलती है। तो जब माँ बाप भी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, जब आप माँ बाप जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो घर में नानी के कंट्रोल में बच्चे रहते हैं, तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, ओटीटी देखेंगे, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है। वो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप देखने वाले, आप नहीं वॉच कर रहे हो कि बच्चा क्या बोल। बच्चे को सही एंटरटेनमेंट देना, सही किताबें देना बहुत जरूरी है। बच्चे लालाबाई सुनने की सुन के सोते हैं, नर्सरी राइम्स सुन के सोते हैं आजकल के बच्चे। अरे नकली राइम तो बच्चों को स्कूल जाके आई जाएगी,
उनको गायत्री मंत्र सिखा दो। बच्चे अगर गायत्री मंत्र सुन के अगर सोएंगे उनको नींद भी अच्छी आएगी, संस्कार भी अच्छे आएंगे, वो सात्विक होंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नहीं लोग ध्यान देते उन बातों को। मेरी मेरी मेरा भांजा है, वो जब छोटा सा था कुछ टाइम पे हमारे काफी काफी टाइम तक हमारे घर रहा, मेरी माता जी ने उसको उसी टाइम से सुबह एक बार उठा, वो थोड़ा रोता हुआ सा उठा, मम्मी ने उसी टाइम उसे समझा दिया, बेटा सुबह उठते हैं स्माइल करते रहे, हाथ करके उसको गोदी में बिठाया और गायत्री मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे उसे आदत पड़ गई, वो सोने लगा। उसे कोई हमने लला बाई और नर्सरी लाइन ये सोच के कि अरे बच्चा जब स्कूल जाएगा एंट्रेंस होगा तो उस टाइम के खाना है, नहीं, गायत्री मंत्र सुन के सोया, गायत्री मंत्र सुन के उठा। आज भी वो, आज 10 साल का हो गया है, आज भी वो गायत्री मंत्र बोल के 11 बार मंत्र का जाप करके सोता है और सुबह उठते हैं। क्या बात, स्कॉटलैंड में रहता है, क्या बात, हिंदुस्तान में भी नहीं रहता। मुझे लगता है कि हमारे विदेश में रहने विदेश में रह के ज्यादा हिंदू हैं। मुझे आपकी फॉलो करते आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही आपको? अब आइए, अब आ रही, अब आइए। अच्छा जी, तो वो विदेश में रहने के बावजूद वो पैर छूता है, लोगों को नमस्ते करता है, हनुमान चालीसा गाता है, राम भजन गाता है, वो सब सब सारे के सारे त्योहार वो मनाता है वहां पर। मैं कितनी बार उससे कुछ पूछती हूँ तो वो मुझे ऐसे जवाब देता है कि मुझे ये लगता है कि चलो उसको जो हमने बचपन में जो संस्कार दिए वो बिल्कुल सही दिए। बिल्कुल सही बात, कई 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 मेरी मेरी बहन के दोस्त हैं, जब उनसे नमस्ते करता है, क्योंकि बड़े हैं और उनको उसको सिखा दिया गया था कि जो भी बड़े हैं उन सबके पैर छूने हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि अरे पैर मत छुओ, और वो आगे भागे भागते हैं और मेरा भांजा पीछे पीछे भागता है कि मुझे पैर छूने। लेकिन उसको पता है जो बड़े हैं मुझे उनके पैर छूने हैं। फोन पे आज मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो अगर मेरी माता जी से बात करता है तो वो वहीं से नमस्ते करता है और ऐसे करता है, ऐसे करके नानी पैरी पहना। वो छोटे छोटे संस्कार अगर हम दे दें तो बच्चों में हमारी सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी, लेकिन हम उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देंगे और बच्चे सिर्फ आईपैड और टीवी और ओटीटी और वीडियो गेम्स और मार्वल्स देखने में लगे रहेंगे तो बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे। और तो फिर वही होगा जो इवेंचुअली आज की तारीख में हो रहा है कि ड्रग अब्यूज, इस तरीके की चीजें हमें रोज देखने को मिलती हैं, परिवार से बच्चे अलग हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम का करियर का इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर एक एज के बाद, और संभालने के लिए घर में लोग होते नहीं है, हमने उनको मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाया अपने, क्योंकि हमने अपना धर्म उनके अंदर नहीं डाला। और जब वो जाते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं या फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और क्योंकि हमारे अपना धर्म उनके अंदर नहीं है तो जो वो जो एक पोर्शन होता है ना हमारे ब्रेन में, जहां हमें हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का जो ब्रेन का जो पोर्शन होता है उसमें अगर हमने अपने संस्कार नहीं डाले तो दूसरा जो संस्कार देने की कोशिश करेगा वो उसके अंदर वो सेटल हो जाएगा, इसी वजह से फिर कन्वर्शन होते। बिल्कुल ठीक, जब आप बच्चों को ये नहीं बताते कि लक्ष्मी पूजन की क्या महत्ता है तो हमें दिवाली पे सिर्फ पटाखे और मिठाइयों की बात नहीं करनी है, हमें लक्ष्मी पूजन में भी हाथ जोड़ के बैठना है। सिर्फ हमें रात हमें कार्ड पार्टियां नहीं करनी है, हमें रात को क्लब में जाके दोस्तों के साथ पार्टियां नहीं करनी है दिवाली पे, दिवाली का महत्व और है। अगर वो नहीं पता चलेगा बच्चों को तो बच्चे वही करेंगे जो आज गलत राह पे जा रहे हैं, जाते वाले बच्चे कर रहे हैं। प्राचीना
जी बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जिनको धीरे धीरे करके ही हम बदल सकते हैं, और उस काम में आप बहुत दिनों से लगी हुई हैं, और मुझे लगता है कि आपकी वजह से और आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो रोज आकर के टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और ये जागरण जो आप जिस ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, जिस मशाल को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता और अधिक है, और अधिक लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है, तभी जाकर के चीजें बदलेंगी। क्योंकि कई बार होता ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो ये वाली बात भी सच्ची है, लेकिन फिर भी ये है कि कई बार अकेले चलिए तो देखकर ही सही लोग आगे बढ़ते जरूर हैं। आपसे मैंने आज समय मांगा था, और आपने मुझे सच में दिल खोल करके आज इतनी चीजें बताई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी बारीकियां जो शायद कहीं ना कहीं मुझसे भी नजरअंदाज हो रही थी, उन बारीकियों को भी मैंने आज समझा है। और मुझे लगता है कि जन जागरण का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है कि अगर हम इन चीजों को और लोगों तक पहुंचाएं। चलते चलते अगर कोई मैसेज देना है तो आपका मैसेज क्या होगा रशिका जी? मेरा मैसेज यही होगा कि हम राम के देश में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो आप कभी भी अपने धर्म की, अपने राम भक्त होने की, अपने महादेव भक्त होने की, अपने बजरंग बली के भक्त होने की बात को बहुत बड़ा समझिए। आप ईश्वर के आप जो हमारी सृष्टि है उसके जो रचयिता हैं, आप उसके भक्त हैं, तो आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। हम अगर राम भक्त में हनुमान जी की बात करते हैं, और आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप भी बहुत बड़े हैं। तो उसको गर्व से कहिए आप हिंदू हैं, आप गर्व से कहिए आप सनातनी हैं, और उसके साथ साथ अपने बच्चों में, अपनी आगे आने वाली जनरेशन में, अपने युवाओं में वो संस्कार डालिए, जितना हो सकता है डालिए, और सब एकत्रित होके रहिए, इकट्ठा होके रहिए। जब हम मुट्ठी जोड़ लेते हैं तो जब मुट्ठी बनने के बाद हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उस मुट्ठी को बना के रखिए और अखंड हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे चलते रहिए। जहां तक मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा, जिस तरीके से आज हिंदू जाग रहा है, और सब अभी तो सिर्फ करवट ली है हिंदू ने, अभी करवट ली है तो इतना भिचाल आ गया है, अगर जब जाग जाएगा, नींद से जाग जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? तो शायद उसको, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हम उसे अखंड हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। उसके लिए सब तत्पर हो जाइए, सब साथ आ जाइए, यही मेरी सबसे प्रार्थना है और मेरा यही सपना है। आपका सपना जरूर पूरा होगा। आप जिस तरह से चल रही हैं, चलते रहिए, आपके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, और आपने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है खुद उन चीजों को आत्मसात करके, तो आप क्या कहते हैं, दो संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलती हैं, उनको लेकर के आप आगे चलते रहिए। वी आर योर फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। आपसे और भी कभी मुझे मौका मिला तो आपसे और भी समय लेकर के मैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय को यूं ही समेट पाना एक डेढ़ घंटे में मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, है ना? तो हम फिर से बात जरूर करेंगे इसके ऊपर जब आपके पास समय हो। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका योगिता जी, और आपका इसी तरीके से शो आगे चलता रहे, और आप तरक्की करते रहे दिन दुनी रात चौपनी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते।